हेलो एवरीवन, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, उन सभी लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। गाइज, 2020 हमारे लिए काफ़ी पेनफुल था। अगर हम होटेलियर्स की बात करें, इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर द होटेलियर एज वेल इट वॉज अफेक्टेड इंटायर बॉडीज ऑफ द होटल इंडस्ट्री। सारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पेन में थी, और सबसे ज़्यादा जो पेनफुल था वो हमारी होटल इंडस्ट्री थी। 2020 को धीरे धीरे रिकवर किया गया। आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाया, आप लोगों ने अपना ख्याल रखा, अपने कम्युनिटी का ख्याल रखा, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी हम सबका ख्याल रखा। सेम 2021 में भी एक लहर आई थी जिसने हम सबको फिर से उसी मुसीबत में डाल दिया था, लेकिन आप लोगों ने जो है अपने आप को फिर से उसी तरीके से संभाला और अपना ख्याल रखा। गाइज, 2021 ख़त्म हो चुका है, 2022 चालू होने वाला है, और हो गया है हम बोल सकते हैं। लेकिन 2022 में फिर से हमारे लिए ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। गाइज, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने कम्युनिटी का ख्याल रखिए, और जो है पूरे जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं कोरोना प्रिकॉशन जो गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आ रहे हैं उसको प्लीज़ फॉलो करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने कम्युनिटी का ख्याल रखिए। क्योंकि अगर आपने अपना ख्याल रखा, अपने कम्युनिटी का ख्याल रखा है, तो हमारा देश कहीं ना कहीं से स्ट्रॉन्ग बनेगा और हमारा जो इकोनॉमिकल जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। गाइस हम अगर आज जो जिस तरीके से जो अर्थव्यवस्था हमारी ख़राब हुई थी 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा हुआ है, तो हमें पता है हमें 2020 और 2021 से सबक लेना पड़ेगा। और हमें अब तो हमें कोई सिखाएगा नहीं, हमें अब पता चल गया कि हमें कैसे अपना अपने कम्युनिटी का अपने देश का ख्याल रखना है। गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए, कम्युनिटी का ख्याल रखिए, क्योंकि आप मजबूत रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा और हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं से पटरी पे रहेगी। उसके अलावा हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है अब अर्थव्यवस्था को वो दौड़ाएगी। क्यों, ये कब पॉसिबल होगा? जब हम स्ट्रांग रहेंगे, हमारा देश स्ट्रांग रहेगा। सो गाइस, इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा। 2022 स्टार्ट हो चुका है और हमारे दिमाग में कुछ नई नई चीज़ें जो हैं, जो टेक्निक्स आ रही, जो भी थॉट है, वी हैव टू स्टार्ट फॉलो अप दैट। उसके साथ साथ हमें पिछले से कुछ सीखना भी है। तो गाइस, होप सो कि हमारा 2022 बहुत अच्छा रहेगा और हम सभी लोगों को खुश रखेगा और खुशहाली लाएगी। थैंक यू।